एक जबरदस्त सवाल है तुम्हारे लिए। सवाल पता है क्या है? तुम्हें पता है कि आयरन जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है, है ना। स्टील भी लगभग ऐसा काम कर सकती है, और भी बहुत सारे अलॉय जो ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जो शिप होती है ना, शिप वो समुद्र के अंदर क्यों नहीं डूबती, है ना, पानी पे फ्लोट क्यों करती है वो? क्या सिर्फ सरफेस एरिया ही कारण है उसका? सरफेस एरिया इज वन ऑफ द रीजन और वन ऑफ द मेजर रीजन, बट क्या सर, क्या अगर शिप का थोड़ा टुकड़ा काट दो क्या वो डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। तो सरफेस एरिया से भी और कोई ना कोई पक्का एक ऐसा रिलेशन होगा, क्योंकि एक शिप को पानी के ऊपर तैरने पर मजबूर कर देता है। बताओ सर, होता क्या है कि शिप के अंदर जो शिप का पार्ट होता है पानी के अंदर, उसके अंदर एयर होती है सर, ओके, तो उसकी वजह से फ्लोट करती है, उसकी वजह से फ्लोट करती है। yes, जितना पानी के अंदर होता है वो, उसके अंदर एयर होती है पानी की जगह, अगर उसमें पानी भर जाए तो वो डूब जाएगी। कोई भी शिप है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है? बिसाइड वो मेटल की बनी हुई होती है। थैंक यू सो मच।